नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक RACIT एग्जाम का एक भी टॉपिक या एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए RACIT के नए सिलेबस के अनुसार 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपके निश्चित रूप से आने वाले RACIT एग्जाम में 100% गारंटी के साथ अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है सबसे पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पहला कंप्यूटर आया था उसका नाम था अबेकस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास में पहला कंप्यूटर था एबेकस, इसमें किसी भी प्रकार का जो इंटरनेट है वो नहीं चलता था और ना ही इसके अंदर कोई मेमोरी कार्ड होता था, यानी कि आप इसके अंदर डाटा है वो स्टोर नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि मैं आपको इसकी शेप बताऊं तो कुछ इस प्रकार से इसकी शेप होती थी, यानी कि दो लकड़ी के डंडे होते थे और इन दोनों लकड़ी के डंडों में गोले होते थे, यानी कि दोस्तों इन गोलों को यदि आप आगे पीछे करोगे तो सामान्य गणनाएं हैं जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग वो अबेकस से हो जाती थी, यानी कि दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या था, गणनाएं करना था। तो इस प्रकार से पहले का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक डाटा संग्रहण डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास में पहला ऑप्शन है रैम। दोस्तों, रैम क्या होती है, डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। और यदि आपको मैं रैम की फुल फॉर्म बताऊं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है, यानी कि दोस्तों जो रैम होती है वो क्या है, एक प्रकार की डाटा स्टोरेज डिवाइस है। आगे हमारे पास में बी ऑप्शन है रोम। तो दोस्तों, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और ये भी क्या है, डाटा स्टोरेज डिवाइस की उदाहरण है। आगे हमारे पास में सी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर हार्ड डिस्क डलती है और कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क में ही होती है, यानी कि दोस्तों ये भी क्या है, डाटा स्टोरेज डिवाइस है। हमारे पास में डी ऑप्शन दिया गया है प्रोसेसर। तो दोस्तों, प्रोसेसर क्या है, किसी भी प्रकार का डाटा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि दोस्तों ये क्या होगा, दूसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में यदि आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे वो सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको डाउटनेट ऐप पर उस सवाल का फोटो खींचना है, फिर इसके तुरंत 5 सेकंड के बाद आपको उस सवाल का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि डाउटनेट ऐप पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है, साथ ही आप यहां पर NEET IIT जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अभी इस समय डाउटनेट ऐप पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस भी चलाई जा रही है, यानी कि अब सारी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ऑनलाइन। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, ई-कॉमर्स वेबसाइट का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों, यदि मैं आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण बताऊं तो Amazon, Snapdeal, Flipkart, Jabong, ये सब के सब क्या है, ई-कॉमर्स वेबसाइट के उदाहरण है। और दोस्तों, इन वेबसाइटों की सहायता से हम घर बैठे कोई भी चीज है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और दोस्तों, अब हो ये भी गया है कि हम अपनी कोई चीज है वो बेच भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा उत्पाद है वो घर बैठे ही बिक जाएगा, हमें बस Amazon वालों को कहना होगा। यानी कि दोस्तों, ई-कॉमर्स वेबसाइट से हम इंटरनेट पर उत्पाद खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि इंटरनेट का जो उपयोग है वो कौन से क्षेत्र में नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन है शोध में, यानी कि दोस्तों रिसर्च में। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन की खोज हो रही है, इस वैक्सीन की खोज में इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट क्या करता है, कोरोना वायरस का जो DNA है, RNA है, उसकी जांच करता है। यानी ये दोस्तों इंटरनेट है वो शोध कार्य में बहुत ही उपयोगी है। उसी प्रकार से संचार में तो आप जानते ही हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब के सब इंटरनेट से चल रहे हैं। और दोस्तों ऑप्शन सी है रियल टाइम अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, न्यूज़ लेनी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो भी आप इंटरनेट की सहायता से लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये तीनों के तीनों क्या है, इंटरनेट के उपयोग हैं। अब बच्चा इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि इंटरनेट का उपयोग ना करवाता हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, सर्च इंजन पर सर्च को सीमित करने का निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना होगा कि सर्च इंजन क्या होता है। दोस्तों, यदि आपको मैं सर्च इंजन के एग्जाम्पल बताऊं तो गूगल, याहू, बिंग, ये सब के सब क्या है, सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। दोस्तों, सर्च इंजन के अंदर हम कोई भी चीजें सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास में पांचवे का ए ऑप्शन है वाक्यांश के लिए खोज। जी हाँ दोस्तों, आप सर्च इंजन पर वाक्य लिखकर भी खोज सकते हैं, जैसे कि हाउ टू यूज गूगल, हाउ टू यूज यूट्यूब, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे हमारे पास में बी ऑप्शन है कीवर्ड का उचित उपयोग। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी एक छोटा सा कीवर्ड डाल के भी अपनी सर्च इंजन के अंदर कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, यानी कि ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी सर्च इंजन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से सर्च नहीं कर सकते। यदि आपका नाम राकेश है और आपने सर्च इंजन पर सर्च किया तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका नाम है वो वहां पे आ जाएगा, आपकी फोटो और आपका एड्रेस है वहां पे आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप सर्च इंजन के अंदर ये चीज है वो भूल कर भी मत करना,
क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपके लिए सही नहीं है। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने हेतु जो आइकन प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों यदि आप विंडोज 10 के अंदर गूगल क्रोम चला रहे हो और किसी एक फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, दोस्तों अब आप क्या करना चाहते हो कि गूगल क्रोम के अंदर जो फाइलें डाउनलोड हो रही है उनको होल्ड करना चाहते हो, तो आप कौन से आइकन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप विंडोज 10 के अंदर सिस्टम ट्रे आइकन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से जो छठे का करेक्ट आंसर है वो हमारे पास में होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम ट्रे। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बटन फाइल टैब में नहीं होता। तो दोस्तों एमएस वर्ड 2010 के अंदर जो फाइल टैब के अंदर ऑप्शन नहीं होता वो नहीं होता फॉर्मेट। दोस्तों यदि बात करूं कि फाइल टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो वो होते हैं सेव एज, रिसेंट और भी कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन फॉर्मेट है वो यहाँ पे फाइल टैब में नहीं होता। तो दोस्तों सातवें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न पूछा गया है, बिजली या पानी के बिल भुगतान का विकल्प SSO में किस आइकन पर होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले SSO की फुल फॉर्म आनी चाहिए। दोस्तों SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। तो दोस्तों यदि आपको बिजली या पानी का बिल है वो SSO के अंदर भरना है, तो आपको SSO ID खोलनी होगी और ई मित्र ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इससे आपका बिजली और पानी का बिल है वो भरा जाएगा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा आठवें का, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, PNR स्टेटस का उपयोग क्या है। तो दोस्तों PNR स्टेटस है उसका उपयोग रेल सेवा में करते हैं, जैसे कि आपने जयपुर से दिल्ली की टिकट कटवाई। दोस्तों अब आपने टिकट तो कटवा ली, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरी टिकट सक्सेस हुई है या फिर नहीं हुई। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपना PNR स्टेटस है वो चेक करना होगा। यानी कि दोस्तों टिकट की स्थिति पता करने के लिए हम PNR स्टेटस का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दसवां प्रश्न पूछा गया है, दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने हेतु मोबाइल लोकप्रिय एप्लीकेशन कौन सी है। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन है वाईफाई। नहीं दोस्तों, वाईफाई जो है वो इंटरनेट एक्सेस करवाता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की तरफ, और वहीं वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। आगे हमारे पास में बी ऑप्शन है शेयरइट। दोस्तों शेयरइट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शेयरइट यदि हम दोनों मोबाइलों के अंदर ओपन कर लें तो हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के अंदर कोई भी डाटा है वो भेज सकते हैं। यानी कि दसवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयरइट। आगे हमारे पास में ग्यारहवां प्रश्न पूछा गया है, एमएस वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। यानी कि दोस्तों आपने एमएस वर्ड के अंदर कुछ शब्द लिखे और उन शब्दों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप जो शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे वो है Ctrl+A। इससे आपके जो शब्द हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद अपने शब्द को आप कॉपी कर सकते हैं। यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपने एमएस एक्सेल के अंदर कोई एक संख्या लिखी, जैसे कि मैं लिखता हूँ 6.7777। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस संख्या की राउंडिंग ऑफ करनी है, यानी कि इस संख्या को राउंड करना है। तो दोस्तों आपको किस फंक्शन का यूज करना होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए राउंड फंक्शन का यूज करना होगा। इससे आपकी जो संख्या है वो ऐसी हो जाएगी 6.8। यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, जब आप एक पावर पॉइंट प्रारंभ करते हैं तो ये किस व्यू में खुलता है। तो दोस्तों वो किस में खुलता है, नॉर्मल व्यू में खुलता है। यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों वहीं आपको बताना चाहूंगा, एमएस पावर पॉइंट के अंदर हमेशा प्रेजेंटेशन बनती है और प्रेजेंटेशन के अंदर कई स्लाइडें होती है। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन है, डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग नहीं है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन नहीं है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही भाग होते हैं। यानी कि पहला कथन है वो बिल्कुल गलत है। उसी प्रकार से दूसरा कथन दिया गया है, छोटे व्यापार में मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नहीं दोस्तों, जो छोटे छोटे व्यापार है उसमें पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है उनका जो उपयोग है वो बड़े बड़े उद्योग में होता है, बड़े बड़े व्यापारों में होता है। तो इस प्रकार से दूसरा कथन में क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन एक तथा कथन दो दोनों गलत हैं। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन ए है, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने हेतु प्रयुक्त कीज को टॉगल कीज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कंप्यूटर के अंदर किसी विशेष चीज को ऑन ऑफ करना है तो आपको टॉगल कीज का उपयोग करना होगा। यानी कि पहला कथन ए क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में विंडोज मोबिलिटी सेंटर में निम्न में से कौन से फीचर है। तो दोस्तों विंडोज 10 के अंदर जो विंडोज मोबिलिटी सेंटर है उसमें ब्राइटनेस, वॉल्यूम, स्क्रीन रोटेशन जैसे ऑप्शन होते हैं। यानी कि 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, आज का ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर कार्य करता है? तो दोस्तों आज का जो ईमेल सिस्टम है वो स्टोर और फॉरवर्ड पर कार्य करता है, यानी कि ईमेल को लो और किसी अन्य ईमेल को भेजो। तो दोस्तों 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है? यानी कि दोस्तों आपको घर बैठे मोबाइल द्वारा इंटरनेट से अपना जो सामान है वो खरीदना है, तो कौन सी वेबसाइट से खरीदेंगे? तो दोस्तों वो हमारे पास में सबसे बड़ी वेबसाइट है दुनिया की, वो है अमेजन, यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? यानी कि दोस्तों आपको एफपीएस की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों आपको एफपीएस की फुल फॉर्म बताने से पहले ईपीडीएस की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। दोस्तों ईपीडीएस की फुल फॉर्म आती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये राशन कार्ड योजना है, इसी के द्वारा आपको राशन मिलता है। और वहीं यदि आपको मैं एफपीएस की फुल फॉर्म बताऊं तो दोस्तों एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फास्ट पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, फास्टर पेमेंट सिस्टम क्या है 20वें का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, आप एसएसओ के माध्यम से कौन सा कार्य नहीं कर सकते? तो दोस्तों पहला ऑप्शन ये है रोजगार विभाग में पंजीकरण, यानी कि दोस्तों कोई भर्ती आई और उसमें आपको आवेदन करना है तो दोस्तों वो तो आप एसएसओ से कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला ऑप्शन बी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, नहीं दोस्तों आप एसएसओ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसएसओ से आप अपना जो कार्य है वो नहीं कर सकते। कौन सा नहीं कर सकते? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने हेतु किस फॉर्म की आवश्यकता होती है? यानी कि दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स भरना है तो आपको फॉर्म नंबर 16 है वो भरना होगा, यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, एप्पल के आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो दोस्तों एप्पल जो कंपनी है वो खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाती है जिसका नाम है iOS, यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस वर्ड में किसी पेज की साइज को जूम करने का विकल्प किस टैब में होता है? यानी कि दोस्तों आपको एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट दे दी गई और आपको कहा है कि इस डॉक्यूमेंट को जूम कीजिए, तो दोस्तों आप किस पर क्लिक करेंगे? आप एमएस वर्ड में व्यू टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद भी अपने जूम है वो कर सकते हैं। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा चार्ट जो समय के साथ परिवर्तन एवं इन परिवर्तनों के योग दोनों को दर्शाता हो? तो दोस्तों एमएस एक्सेल के अंदर वो चार्ट है एरिया चार्ट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एरिया चार्ट, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहले से एक सेव नेम फाइल 1.pptx को किसी दूसरे नाम फाइल 2.pptx में सेव करने हेतु कौन सा विकल्प का यूज करेंगे? यानी कि दोस्तों आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई और उसका नाम है वो पहले से रख दिया गया, अब आपको क्या करना है, उस नाम को चेंज करना है। तो दोस्तों आप किस पर क्लिक करेंगे? आप ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करेंगे, सेव एज, यानी कि सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन का जो नाम है वो दोबारा लिख सकते हैं। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है, संचार व्यवस्था बढ़ाने हेतु सुपर कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं, नहीं दोस्तों यदि आपको संचार व्यवस्था बढ़ानी है तो आपको सामान्य कंप्यूटर पीसी का ही उपयोग कर लेना होगा, कोई सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से पहला कथन है वो बिल्कुल गलत होगा। आगे हमारे पास में दूसरा कथन दिया गया है, मेमोरी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का भाग है। जी हाँ दोस्तों, जो मेमोरी होती है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट का भाग होती है। तो इस प्रकार से दूसरा कथन है वो बिल्कुल सत्य होगा और 27वें का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, एक जीमेल आईडी यूनिक कंप्यूटर्स एट द रेट जीमेल डॉट कॉम से दूसरी जीमेल आईडी आरकेसीएल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर कितनी फाइल अटैचमेंट कर भेज सकते हैं? तो दोस्तों आपसे अटैचमेंट डाटा पूछा है, तो दोस्तों जीमेल के अंदर जो अटैचमेंट डाटा होता है वो होता है 25 MB तक, यानी दोस्तों आप 25 MB तक फाइल है वो एक साथ भेज सकते हो जीमेल के अंदर। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारे पास में पहला कथन एक है, ई ज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स वेबसाइट है, नहीं दोस्तों ई ज्ञान जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बल्कि ई ज्ञान क्या है, ई ज्ञान से हम कोई भी ज्ञान ले सकते हैं, कोई भी नॉलेज ले सकते हैं, वहां पे हमें सभी बुकें मिलेगी। आगे हमारे पास में दूसरा कथन दिया गया है, हैशटैग से आप अपने ट्वीट में किसी कैटेगरी या कीवर्ड को जोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि ट्विटर में क्या होता है, हैशटैग होता है, और यदि हम हैशटैग के आगे
कोई भी शब्द लिखें तो वो हमारी कैटेगरी के ट्वीट को प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे हैशटैग किसान आंदोलन, तो होगा क्या दोस्तों, जो हमारा किसान आंदोलन है उसकी तरफ से ट्वीट चला जाएगा। तो दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी है, कथन एक गलत और कथन दो क्या है, सही है। तो इसमें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, बैंक खाते के साथ आधार कैसे लिंक करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है, नेट बैंकिंग का उपयोग करके। जी हाँ दोस्तों, नेट बैंकिंग का उपयोग करके आप अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हो। उसी प्रकार से आवेदन पत्र भर के उसको बैंक में जमा करवा कर। जी हाँ दोस्तों, यही तरीका सामान्य तौर पर यूज होता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों तरीके क्या है, बिल्कुल सही है। इन दोनों के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हो। यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों तरीकों से। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, डिवाइस किस सुविधा का उपयोग करके अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों वो सुविधा है मोबाइल के अंदर वाईफाई, इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ड में फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन किस टैब में शो होता है। यानी कि दोस्तों आपको एमएस वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट दे दी गई और आपको कोई शब्द है वो फाइंड करना है या कोई एक शब्द है वो रिप्लेस करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप एमएस वर्ड के अंदर होम टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, एमएस एक्सेल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास में पहला कथन ए है, एक्सेल में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर हमेशा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो दोस्तों ये क्या है, बिल्कुल सही कथन है। उसी प्रकार से बी कथन दिया गया है, एमएस एक्सेल में हम 3 से ज्यादा शीट नहीं ऐड कर सकते। तो दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम एमएस एक्सेल के अंदर कितनी भी शीटें हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों असत्य कथन क्या होगा, ये वाला, यानी कि 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, आप किन तरीकों से एमएस पावर पॉइंट में फाइल को बंद कर सकते हैं। हमारे पास में पहला कथन है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग करके। जी हाँ दोस्तों, हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी फाइल को बंद कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कुंजी दबाकर। यानी कि पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है। उसी प्रकार से दूसरा कथन है, फाइल टैब में क्लोज बटन पर क्लिक करके। जी हाँ दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट के अंदर हम फाइल टैब में यदि हम क्लोज बटन दबा देते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन या फाइल को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक तथा दो दोनों कथन क्या है, सही है। दोनों तरीकों से हम अपनी फाइल है उसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RACIT एग्जाम का नए सिलेबस के अनुसार एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया, जिसमें टोटल 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। दोस्तों आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, और आपको कोई भी डाउट है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपका तुरंत रिप्लाई है वो दूंगा। और साथ ही दोस्तों यदि आपको कोई ऐसा मित्र है जो कि आने वाला RACIT एग्जाम देने वाला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उसकी मदद है वो भी हो पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।